नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोल फोजी यूट्यूब चैनल पर। और आज हमें कोने रिक्रूटमेंट का दोस्तों अपडेट लेकर आ चुके हैं। काफ़ी अच्छी ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि ये कौन से डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। तो आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, लेकिन आपको फिर से एक बार बता दें तो ये आर्मी हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया आइसलैंड ग्राउंड चेन्नई से दोस्तों ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। जो आर्मी का हेडक्वार्टर है वहाँ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। बात करेंगे पोस्टों के दोस्तों, तो आप देख सकते हैं LDC कुक, MTS मैसेंजर और MTS गार्डनर, किसमें आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इस लिमिट के बारे में, तो आप देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो 18 से 25 के बीच में आपकी एज रहनी है। अगर 18 से कम उम्र के हैं या 25 से ज़्यादा की उम्र के हैं, तो अब आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप SC ST से अप्लाई कर रहे हैं, मेल या फीमेल वो दोनों में से कोई भी, तो 18 से 23 वर्ष आपकी एज रहने वाली है। और अगर OBC कैंडिडेट हैं, अगर आप मेल या फीमेल कोई भी हैं, तो 18 से 28 वर्ष आपकी एज रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं एज़ पर रूल आपको एजलाइजेशन भी मिला हुआ है। जनरल कैटेगरी 18 से 25, SC ST 18 से 30 और OBC 18 से 28 वर्ष के बीच में आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं 2 सितंबर से दोस्तों ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 22/9 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन अप्लाई है, जिसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप नोटिफिकेशन भी देखना चाहते हैं, तो वो भी हमने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पिछले कल के ही डाल दी है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। पूरी A to Z जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से भी दे रहे हैं, अगर आपको वीडियो में पता नहीं चलता है या नोटिफिकेशन जाकर आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ पर भी पता नहीं चलता है, तो आप हमें अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तब भी कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई जोर से करेंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जोर से जुड़ जाइए, क्योंकि जिस नोटिफिकेशन के ऊपर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो उनका अपडेट हम कई बार टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर दे देते हैं, तो आप उसके साथ जुड़े होंगे, तो आपको नोटिफिकेशन देख के आप उस रिक्रूटमेंट के बारे में जान सकेंगे। बात करेंगे हम सिलेक्शन मोड की, तो MTS और कुक वालों का जो रहने वाला है वो 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, जिसमें उनको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का देखने को मिलेगा, इंग्लिश देखने को मिलेगी, नंबरिकल एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस मिलने देखने को मिलेगी। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। नंबरिकल एप्टीट्यूड है 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस जो है वो 50 क्वेश्चन होंगे और 85 मार्क्स के इसके रहने वाले हैं MTS एंड कुक के लिए। आगे हम बात करेंगे LDC के लिए, तो आपको पता है Tier 1 में आपके जो है रीजनिंग एबिलिटी रहने वाली है, इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाली है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस रहने वाली है 25-25 क्वेश्चन के और 50-50 मार्क्स के, और 1 घंटा इसमें आपको पेपर में मिलने वाला है। और आपको पता है इसमें पेपर सेकंड पेपर भी होता है, जिसमें कि आपकी टाइपिंग रहती है। तो LDC के हिसाब से आप एक बार अपना तैयारी कर लीजिएगा, और अगर आप इन्हीं पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आगे हम बात करें कि आपका जो ये रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट आपके होने वाले हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं वो भी आइसलैंड ग्राउंड चेन्नई में आपके तमिलनाडु में होने वाले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है वहीं पर ही आपको जाना होगा, वहीं पर आपका रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट होने वाले हैं। बाकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कहीं पता नहीं चलता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अब लेते हम आपसे विदा, मिलेंगे किसी कैसी बड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।